मैम। बेटा अगर एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाए, समझ जाना निकल लिया नेट, रुक जाना 2 मिनट। वैसे तो कल कॉल आ गई होगी, हर्ष ने बता दिया था सबको, राइट? मैम बताया था। तो हर्ष कभी अनाउंस करे तो समझ जाना मैंने उसको बोला है, लेकिन 2-3 मिनट के बाद ही मैं कॉल करती हूँ। ऐसे कहीं मैं डिस्कनेक्ट हुआ, हर्ष बोलते क्लास डिसमिस, तो समझ जाना खुद चला के कर रहा है ये। बी केयरफुल। सो कल हमारा कल थर्सडे है, राइट? यस यो मैम, मैम। यो मैम। यस मैम, ठीक है, तो कल मैं तुमसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट जो बचा हुआ है वो कवर कराऊंगी। तो आज मैं तुम्हें इकोलॉजी का क्वेश्चन रिवाइज करने का दूंगी, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का तुम्हारा रिवाइज करने का हो गया ना होमवर्क वाला, पूरा चैप्टर कवर हो गया, राइट? यो मैम, यो मैम। ग्रेट। लिविंग वर्ल्ड आज खत्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, लिविंग नॉन लिविंग का फर्क कर लिया। स्क्रीन दिख रही है सबको, ऑब्जेक्ट क्या लिखा दिख रहा है? ऑब्जेक्टिव। देखो लिविंग नॉन लिविंग का फर्क कर लिया, पी वाई क्यू लगा लिए, फ्लो चार्ट बना लिया। कल हमने करा था दो नामों वाला, बायनोमियल नॉमन क्लेचर, और हमने क्लासिफिकेशन, वो सीढ़िया पढ़ी थी ना, जीनस, स्पीशीज, ग्रुप, क्लास, ये सब, तो ये सारा हमने कवर कर लिया। और आज हमको करने टेक्सोनॉमिकल एड्स, थोड़े से टेक्सोनॉमिकल एड्स है जिसपे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो आज हम वो कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आ जाएगा इससे, ठीक है? इससे ज्यादा का तो बनता नहीं है, तो करें इसे कवर। ये मैम, आ जाओ, फिर ये मैम, क्वेश्चन लगाएंगे जो बचे हुए क्वेश्चंस है इसके। कहाँ है टेक्सोनॉमिकल एड, ये रहा। ओके, आप लोगों ने स्कूल में हर्बेरियम शीट्स बनाई हुई, कुछ बच्चों ने, ये मैम, प्लांट किसकी बनाते हो, एनिमल की, प्लांट की? प्लांट की कैसा रखते हो, जिंदा रखते हो उसको या मर मार देते हो? मरा हुआ मैम, डेड होता डेड होता है वो, उसको ड्राई करते हो या फिर उसको बस ऐसे ही रखते हो, मैम, ड्राई करते हैं, फिर उसको पिचका देते हो, प्रेस करते हो, यस मैम, है ना? फिर उसके ऊपर नाम वगैरह लिखते हो, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, ठीक यस मैम, है? तो जो तुमने ये सब किया उन सबको हम हर्बेरियम शीट बोलते हैं, और उस जगह को जहाँ पर ये सारी शीट्स मिलेगी उन्हें हर्बेरियम कहते हैं। जैसे लाइब्रेरी जाते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स मिलती है, वैसे हर्बेरियम में भी क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉर्स होंगे, निकालो उनमें आपको बहुत सारी हर्बेरियम शीट्स मिलेंगी। हर शीट के ऊपर एक प्लांट के बारे में लिखा होगा और उसका उसको प्लेस कर रखा होगा, चिपका रखा होगा, ठीक है? तो हर्बेरियम क्या होता है, सबसे पहले तो ये सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है, एनिमल्स के लिए नहीं होता, ठीक है? आप कैसे याद रख सकते हैं, हर्ब से याद रख सकते हैं ना, हर्ब्स तो आपने सिर्फ प्लांट्स में ही पढ़े होंगे, है ना? सो इट इज मैम। ओनली फॉर प्लांट्स। दूसरा, ये क्विक रेफरल सिस्टम है। क्विक रेफरल सिस्टम कैसे है, मान लो तुम लोग गए अपने घर के बैक साइड, तुमको नया प्लांट मिल गया, गोल्डन कलर का ये बिल्कुल, लेकिन सल्फ लाल नहीं है, ठीक है? लीफ भी गोल्डन है, फ्लावर भी गोल्डन है, तुमने कहा बहुत बढ़िया, अब तुमको ये समझ नहीं आ रहा प्लांट कौन सा है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे घर के पास कोई हर्बेरियम है वहां जाओगे, वहां पे इसको ढूंढने की कोशिश करोगे। तुमको देखने में सनफ्लावर से मिलता जुलता रख रहा है, तो तुम सनफ्लावर की कैटेगरी में जाकर ढूंढोगे अरे प्लांट कहाँ पर है, और तुमको मोस्ट प्रोबेबली मिल भी जाएगा, अपने एरिया का, उस एरिया का प्लांट जनरली मिल ही जाता है। तो इट इज अ क्विक रेफरल सिस्टम, कि क्विकली आप रेफर कर सकते हो किसी भी प्लांट को, ठीक है? अब क्वेश्चन इज इसमें करते क्या है, तो इस वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन निकालने के लिए आपको ये वर्ड्स ही काम आएंगे। जैसे हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड, जिसको आपने ढूंढ के कलेक्ट किया, ढूंढ लिया ना अपने इस प्लांट को, अपने से कलेक्ट कर लिया, तोड़ के अपने पास रख लिया, फिर आप इसको ड्राई करते हो, क्योंकि अगर ये गीला रह जाएगा ना, मतलब इसके अंदर अगर लिक्विड रह जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, पेज क्या? वेट हो जाएगा और सकती एक तो पेज वेट हो जाएगा और दूसरा इसको इन्फेक्शन हो सकता है ना, अगर लिक्विड होगा और इसमें तो ऑलरेडी ये स्टोर, इसके पास अपना तो स्टोर्ड फूड है, तो उसके ऊपर फंगस और बैक्टीरिया लग जाएंगे तो खराब हो जाएगा ना, तो इसलिए हम इसको ड्राई करते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, प्रेस प्रेस करेंगे, इसको इसको दबा के रखेंगे, अभी बनाएंगे शीट तो तुम समझ जाओगे, और इसको प्रिजर्व भी करेंगे। देखो ये जो हर्बेरियम शीट है ना, ये सालों साल तक यूज होती है, इसलिए इसके ऊपर प्रिजर्वेटिव डालने जरूरी होते हैं। जैसे प्रिजर्वेटिव इज जस्ट लाइक पेस्टिसाइड, अगर खेतों में डालते हैं तो कीड़े नहीं लगते ना, यो तरीके से इसके ऊपर प्रिजर्वेटिव होता है। मैम, तो कौन से वर्ड से पहचानोगे आप हर्बेरियम, कलेक्शन, ड्राइड, प्रिजर्व एंड प्रेस्ड प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स की बात हो रही है, तो इन वर्ड से आपने पहचानना है कि दे आर टॉकिंग अबाउट हर्बेरियम, क्लियर? तो यो मैम, देखो अगर अब तुम गए, तुम एक बार लेट से पहाड़ी पे चढ़े, वहां पे जाके तुमको अब नया प्लांट मिला है,
ग्रीन कलर का, या फूल भी ग्रीन है इसके, है लीफ भी इसके ग्रीन है, तुम कह रहे हो मैं इसके हर्बेरियम शीट बनाऊंगी, ठीक है? तो किसको मिला है प्लांट, कौन है कलेक्टर, नाम बताओ। कशिश। कशिश, तो कशिश ने कलेक्ट कर लिया, ठीक है कशिश। अब कशिश क्या करेगी, सबसे पहले तो जो प्लांट है, ऐसा नहीं है ये चार इसके पेटल तोड़ के भागती हुई जा रही है पहाड़ों से नीचे, और मिल गया मिल गया मिल गया, बाबलो वाली हरकत नहीं करनी है, ढंग से अनडैमेज प्लांट को लेकर आएगी, ठीक है? और देखेगी कि इसको कोई डिजीज भी ना हो रखी हो, क्योंकि डिजीज हो रखी होगी तभी तो डिफॉर्मिटीज होगी, तो प्लांट सही नहीं होगा ना। तो कशिश सबसे पहले क्या करेगी, कलेक्शन ऑफ प्लांट, और कलेक्शन ऑफ प्लांट में ये रहे सारे स्टेप्स। तो सबसे पहले किसको कलेक्ट करेगी, डिजीज फ्री फ्री और अनडैमेज प्लांट को वो कलेक्ट करेगी, ठीक है कशिश? कलेक्ट कर लिया, हाथ में लेके प्लांट भागेगी या पॉलिथिन में डाल के लेके आएगी? मैम पॉलिथिन में लेके आऊंगी, या तो पॉली बैग में लाएगी या फिर मेटल कंटेनर में लाएगी, ठीक है? ले आइए। अब क्या करेगी, बैठ के उसको ड्राई करेगी। तो ड्राई कैसे करेगी कशिश, कैसे बनाई होगी हर्मेरियम तुमने? मैम पहले हम लोगों ने सनलाइट में उसको ड्राई किया था, और उसके बाद फिर तो पेपर के, ओके न्यूज़पेपर पे। बोल बोल बोल। न्यूज़पेपर में रख के उसको मीन्स 2-4 days के लिए हम लोगों ने रख दिया था उसको, और उसके बाद फिर हम लोगों ने लगा लिया था प्रेस करके उसको। तो पहले इसने सनड्राई कर लिया, नहीं तो ये क्या कर सकती है, या तो सनड्राई करेगी या फिर उसको न्यूज़पेपर पर रखेगी। एक न्यूज़पेपर पर रखा इसने, फिर उसके ऊपर दूसरा न्यूज़पेपर रख देगी, है ना? और हर रोज न्यूज़पेपर बदलेगी, नहीं तो वो गीला होके इन्फेक्शन हो सकता है वहां पे, राइट? तो न्यूज़पेपर को बदलती रहेगी, धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा, ठीक है? फिर उसको ये दोनों न्यूज़पेपर के बीच में जो प्लांट है इसको लेट से प्रेस करके रखेगी, इसके ऊपर कोई वेट रखेगी। तो कुछ मत करो, अपने घर पे गद्दे नहीं होते बेड के, उसके नीचे रख दो न्यूज़पेपर में डाल के, वो तब भी तो प्रेस हो ही जाएगा ना, उसके ऊपर वेट रख दो। नहीं तो किताबों में बीच में रख दो, रखते हो आप लोगों ने अगर हर्बेरियम बनाई है तो न्यूज़पेपर के बीच में डाल के उसके ऊपर कुछ बुक्स रख दो, तो वो प्रेस हो जाएगा। तो ड्राई कर देंगी, प्रेस कर देगी, और स्पेसिमेन को ड्राई एंड प्रेस करके रख दिया, ठीक है? अब उसने क्या डालना है, प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव के लिए हम पॉइजनिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। अब क्या करेगी वो, ये प्लांट को निकालेगी और इसके ऊपर प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में किसको डाल देगी, 0.1% सॉल्यूशन ऑफ HgCl2, ठीक है? इसकी सॉल्यूशन डालेगी, डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑब्वियसली यूज होती है, आप एक याद कर लो बहुत है, ओके? इसने छिड़का तो अब इंश्योर हो गया कि यार इसके ऊपर फंगस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह आप ग्रो नहीं करेंगे, राइट? अब ये क्या करेगी, अब इसको साफ सी शीट लेगी, तो शीट ले रहे साफ सी, ये साफ सी शीट ली। अब इसने हर्बेरियम शीट पे लगाना है ना, न्यूज़पेपर पे थोड़ी लगाएगी, कि पीछे न्यूज आ रही है क्रिकेट में इसने इतने छक्के मारे, उसको थोड़ी करना है। अब इसने प्लांट को ड्राई कर दिया, तो वो पिचका हुआ सा प्लांट इस शीट के ऊपर लगा देगी। तो जैसे इसने वो पिचका हुआ सा प्लांट इस शीट के ऊपर रखा, तो इस शीट पे उस प्लांट को रखना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माउंटिंग। क्या बुलाते हैं, माउंटिंग, क्या बुलाते हैं, माउंटिंग, माउंटिंग। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसे, माउंटिंग इज कीपिंग द स्पेसिमेन ऑन शीट। अभी अगर ऐसे ही रख के छोड़ देगी तो इधर उधर खिसक जाएगा ना ये। तो अगर इसको फेविकोल लगा दे, तो स्कूल में तो तुमने फेविकोल ही लगाई होगी, लेकिन फेविकोल लगा के तुमने देखा होगा कहीं से चिपकता कहीं से रह जाता है ना? अब ये जो डेटा है ये तो आपको बहुत टाइम तक यूज करना है ना, तो आप फेविकोल यूज नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आप धागा लोगे और इसको क्या कर दोगे, स्टिच कर दोगे। स्टिचेस देखे आपने कैसे लगते हैं, स्टिचेस स्किन को जोड़ देते जैसे। हाँ, तो यहाँ पे प्लांट्स के डॉक्टर बन जाओ और इसको स्टिच कर दो धागों से, ठीक है? समझ आई? यस मैम। को बोलेंगे स्टिचिंग। अब स्टिच कर दिया, सब चिपका दिया, अब तुम इसे क्या लिखोगे, ये प्लांट को कोई कैसे पहचानेगा जब तक इसके ऊपर क्या नहीं लिखा होगा, बेटा ये तुम्हारे नाम। हाँ, आईटी कार्ड में तो मैं सब कुछ लगा दूं, जब तक तुम्हारा नाम नहीं लिखूंगी कोई पहचान लेगा कौन सा बच्चा हो, नहीं ना? तो अब तुम इसके कर दोगे लेबलिंग। समझ आया हर्बेरियम शीट कैसे बनती है? यस मैम। लेबलिंग कहाँ करोगे, तो हर्बेरियम शीट के राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में आप नीचे लेबलिंग करते हो, ठीक है? बहुत पहले ये क्वेश्चन आता था, अब नहीं आता, लेकिन आपको आना चाहिए। ये लेफ्ट, ये राइट, राइट हैंड साइड पे कहाँ पर है, बेस पे कॉर्नर की तरफ आप इसकी लेबलिंग करोगे, ठीक है? अब लेबलिंग में क्या पॉइंट लिखोगे वो लिख लेते हैं। तो किसने इसको कलेक्ट किया था, कशिश। कशिश कहाँ से कलेक्ट किया, जगह का नाम बता भाई, कलेक्ट करके लाइए। बिलासपुर। हाँ बिलासपुर, इतना बड़ा बिलासपुर है,
ये बता दे कहाँ पे है, कब कलेक्ट किया था बेटा? मैम आज डेट 18 अक्टूबर आज लिखूँ यहाँ पे, डेट बताइए। 2020 18th। अब इसका कोई साइंटिफिक नेम है, बोटैनिकल नेम? अगर नहीं है तो दे 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 भाई साइंटिफिक नेम। मैंगी फेरा हिंदी का वो तो मैंगो का है, चलो मैंगी फेरा इंडिका। ये देखो ये पत्ता तोड़ के लाइए, उस पर बोल रही है मैंगी फेरा इंडिका है, उसका प्लांट होता है, पूरा ट्री होता है। ये बायो खराब करेगी हमारी, मैंगी फेरा इंडिका। ठीक है, अब उसका कोई कॉमन नाम है? देखो कॉमन नेम को लोकल नेम भी कहते हैं, वर्नैकुलर नेम भी कहते हैं। तो बता भैया, तेरे बिलासपुर में किसी और नाम से जाना जाता है? नो मैंगो, आमी वो आम। इसका कोई इंग्लिश नेम है तुम्हारे एरिया में? मैंगो मैंगो मैंगो। अब इसका फैमिली का नाम क्या है? या मर गए अरे क्या, मैंगो की फैमिली तक तो हम पहुंचे ही नहीं। क्या नाम होता है, किसी को पता? किसी को भी पता है? वैसे मैं मान जाऊंगी अगर पता है किसी को तो। है एना कार्डियसी कार्डियसी। अरे तुम इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए? मैम बुक पर लिखा है मैम, मैंने खुद बोला। नहीं बोला तो बेटा तूने खुद ही अपने मुंह से। हम मैंने मैंने बुक कब से बोला? पढ़ के मैंने बोला, मैंने ये कौन मेरा इंटेलिजेंट बच्चा था ये बोला। है? ठीक है मेरे को स्पेलिंग बताओ। ASD आपस में बोल लो। ARDIACEAE। ये गलत बोल रही है, और स्पेलिंग बताओ कोई और। ANACARDIACEAE। CAEA है ना, क्योंकि फैमिली को क्या? CEAE। CA MDIA है। यही है ना कार्ड, ये सी यो यो ई मैम टी। आई थिंक तो यही होना चाहिए, CEAC। ठीक है CEACE। ये मैम सही है। कह रहा है यही है मैडम, यही है। ठीक है, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बोटेनिकल नेम जो आपने हर्बेरियम शीट बनाई है उसके यहाँ मिलेगी। तो स्कूल में बनाते हो उसमें इतना नहीं लिखते हो, लेकिन जब कॉलेज में जाके अगर बॉटनी लोगे ना तो वहां पे तुमको प्रॉपर बनानी पड़ेगी, तो कुछ इसी तरीके से बनेगी। अब देखा जाए तो तुमसे नीट इतना डिटेल में पूछेगा तो नहीं, लेकिन एम्स बना रहे पेपर तो हो सकता है कहीं वो प्रीवियस ईयर से उठा के ले आए, तो उस टाइम पे ये पूछा जाता था। ठीक है, तो याद रखना वर्नैकुलर नेम का मतलब होता है कॉमन नेम, ये गलती हो सकती है। क्लियर? मैम शीट का भी फिक्स साइज होता है, वैसे बहुत टाइम से नहीं पूछा लेकिन बाय चांस पूछ सकते हैं कि जो शीट का साइज होता है 41 x 29 cm², तो तुमने कभी वो देखो ना A4 शीट आती है तुम्हारी, तो तुम साइज यो मैम करते ना यो उसको, राइट? तो का साइज है दैट विल बी 7 x 12 cm². वैसे तो इतना डिटेल में आना नहीं चाहिए, लेकिन बाय चांस आप भी जाए तो मुझे ऐसे याद है 2 और 4, जनरली इसके आसपास नंबर मुझे मिल ही जाता है। ठीक है, सो एक बार देख लेना जस्ट इन केस। सो दिस इज एन हर्बेरियम, और हर्बेरियम में प्लांट डेड थे या लिविंग? डेट डेड। डेड डेड म्यूजियम में आपको प्लांट मिलते हैं, एनिमल मिलते हैं, दोनों मिलते हैं? दोनों दोनों कभी दोनों स्कूल में म्यूजियम है आपके छोटा सा? यस मैम ठीक है, तो यस देखो आपको मिलेंगे म्यूजियम में स्टोर करे हुए, प्रिजर्व करे हुए, एग्जिबिट करे हुए प्लांट्स एंड एनिमल। तो सबसे पहले म्यूजियम में प्लांट एनिमल दोनों मिलते हैं, और दोनों होते हैं डेड, लिविंग नहीं होते। और ये एग्जिबिशन मतलब आपने शोकेस में करे होते हैं ना। देखो अगर मैं हर्बेरियम शीट कहती तो वो ड्रॉर में बंद करके रखी होती है, लेकिन म्यूजियम में जो प्लांट एंड एनिमल है उनको तो शोकेस करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं एग्जीबिशन, कि एग्जीबिशन लगी है, राइट? एग्जिबिट करते हो आप। ठीक है, तो एग्जीबिशन से आपने पहचानना है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट म्यूजियम, एंड प्लांट एंड एनिमल दोनों की बात हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट म्यूजियम। क्लियर? मैम म्यूजियम जर्नली स्टडी और रेफरेंसेस के लिए होता है, जैसे आपने किताब में पढ़ा पॉरीफेरा के बारे में, ठीक है, आपने पढ़ा हाइड्रा के बारे में, आपने पढ़िया शार्क के बारे में, क्रोकोडाइल के बारे में। अब ये क्रोकोडाइल तुम्हारे घर के पीछे थोड़ी मिलेगा, तो तुम म्यूजियम में जाके देख लो क्रोकोडाइल ऐसा दिखता है ना। अगर आपने कभी देखा हो, एक क्रोकोडाइल होता है, घड़ियाल होता है, दोनों अलग होते हैं ना, सुना है? यो मैम
क्रोकोडाइल जो होता है उसका माउथ थोड़ा चौड़ा होता है, घड़ियाल का माउथ थोड़ा ऐसे लंबा होता है, उसकी स्नाउट अलग होती है। अब ये तुमने पढ़ा, तुमको ऐसे याद नहीं हुआ, तुम म्यूजियम में जाके देखो कि स्टफ्ड क्रोकोडाइल भी पड़ा है और अपने पास स्टफ्ड घड़ियाल भी पड़ा है। सुना होगा शायद तुमने घड़ियाल, मुझे इंग्लिश नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली इसका। ठीक है, तो तुम देखोगे। हाँ, एलिगेट। तो तुम जब इसको देखोगे तो तुमको एकदम से रेफर हो जाएगा कि हाँ यार यही पढ़ा था बुक में, राइट? ठीक है, सो दिस इज व्हाट आपको म्यूजियम में मिल जाएंगे, होंगे दोनों मरे हुए, राइट? अब अगर हम बोले तो हम कैसे कैसे प्रिजर्व कर सकते, तो आपने कभी देखा होगा कंटेनर के अंदर एक टॉक्सिक सा लिक्विड दिखता है, उसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डाला होता है उसकी शेप बिल्कुल सही रहती है, लगभग सही रहती है ना? नहीं देखा? ये जो लिक्विड होता है ये फॉर्मलिन सॉल्यूशन होता है, और इसके अंदर आपको कोई भी एनिमल, जैसे अगर आप ह्यूमन म्यूजियम में जाओ तो वहां पर आपको ह्यूमन बेबी मिल जाएंगे, 1 मंथ 2 मंथ ओल्ड, तो वैसे के वैसे प्रिजर्व मिलेंगे। तो वो लिक्विड सॉल्यूशन में डाल के रखते हैं तो बॉडी प्रिजर्व रह जाती है। आप स्टफ कर सकते हो, जैसे मंकीज आपको जनरली स्टफ मिलेंगे म्यूजियम में, तो स्टफ का मतलब क्या है, जैसे पोस्टमार्टम आपने सुना होगा, तो पोस्टमार्टम में क्या होता है, बॉडी के सारे ऑर्गन निकाल लेते हैं ना, लेकिन अब खाली बॉडी थोड़ी देंगे वापस, तो वो क्या करते हैं बॉडी के अंदर भूसा भरते हैं, फिर उसको दोबारा से सिल के दे देते हैं। सिमिलरली स्टफ एनिमल में क्या करते हैं, जैसे मंकी है उसके सारे ऑर्गन निकाल दिए, साफ कर दिया पूरा, क्योंकि अगर ऑर्गन रखोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, है ना, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो आप सारे ऑर्गन निकाल लो, उसको बिल्कुल साफ कर लो, फिर उसके अंदर भूसा सा भर दो और फिर उसको उसी शेप में स्टिच करके वापस रख दो, राइट? और ऊपर से उसमें प्रिजर्वेटिव डालते रहते हैं ताकि उसके फर पे इन्फेक्शन ना हो। तो वो स्टफ एनिमल आपको मिल जाएंगे, तो उससे आप उसकी शेप स्टडी कर सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो। फॉसिल मिल जाएंगे, फॉसिल इज लाइक, जैसे मान लो ये पत्थर है, इसके ऊपर आर्कियोपटेरिस तिरा हुआ है। आर्कियोपटेरिस किसका मिसिंग लिंक था, कनेक्टिंग लिंक था, थोड़ी सॉरी, रेप्टाइल्स और बर्ड, रेप्टाइल्स एंड बर्ड, राइट? तो आर्कियोपटेरिस ऐसे किसी पत्थर पे कभी बैठा होगा, उसके ऊपर एक और पत्थर गिरा, पूरी बॉडी तो सड़ी गई होगी ना टाइम के साथ, कीड़े तो पड़ जाएंगे, डिकम्पोजिशन होगा, लेकिन पत्थरों के बीच में पत्थर पड़ा था, तो जब वो डिकम्पोजिशन हो रही थी उसकी, उसने ना पत्थर के ऊपर अपना इम्प्रिंट छोड़ दिया, कि वो कैसा दिखता है, हमने पढ़ा भी आर्कियोपटेरिस का इम्प्रिंट ही है, राइट? तो अब ये जो पत्थर है इसको मैं कहूंगी ये फॉसिल है, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है, उसका इम्प्रिंट मिल रहा है ना पत्थर के ऊपर लगा हुआ, मतलब इम्प्रिंट का मतलब होता है उसका पूरा आउटलाइनिंग मिल गई, जैसे तुम लेटे हो, तुम उठो तो बेड पे तुम्हारी पूरी आउटलाइन छप जाए, दैट इज इम्प्रिंट, तो उसको हम फॉसिल कहते हैं। तो आपको जनरली प्लांट्स के फॉसिल मिलेंगे, और आपको जो इंसेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट से हनी भी है, अपने को ये स्टडी करनी है, तुमको हनी भी कैसे मिलेगी, अब बंदी हुई हनी भी तो समझ आएगी नहीं, तो क्या करेंगे, हनी भी को पूरा खोल देंगे, ये उसके पंख है, उसका फेस है, लेट से उसकी बॉडी है ना, और उसको ऐसे खोल के कैसे लगाएंगे, उसके ऊपर पिंस लगाते हैं, जैसे वो नहीं होती नोटिस बोर्ड पे आप पिंस लगा के कुछ नोटिस छाप लगाते हो स्कूल में, देखा होगा आपने, yes, पेपर पिंस होते हैं, वैसी पिंस के थ्रू आप इसको डिस्प्ले पे लगाते हो, तो पिन भी कर रखे होते हैं, मोस्टली इंसेक्ट्स को पिन करा होता है, तो म्यूजियम में आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, क्लियर? बोटेनिकल गार्डन, तो आपको याद है मैंने कंजर्वेशन जब आपको पढ़ाया था बायोडाइवर्सिटी, तो मैंने बोला था एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, कौन बनाएगा बताएगा डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एक्स सीटू एंड इन सीटू? हाँ बेटा हर्ष बोलो। एक्स सीटू मतलब जहाँ पे वो पहले रहता है वहां से बाहर ले जाके उसको हम कंजर्व करेंगे, और इन सीटू जहाँ पे वो रहता है वहीं पे हम कंजर्व करेंगे। एक एक एग्जांपल दे दे एक्स सीटू का। इन सीटू का एग्जांपल है बोटेनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और इन सीटू का है एक्स सीटू का है जू। एक्सीटू का है जू और बोटेनिकल गार्डन इन सीटू। बेटा बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं वो गार्डन मैनमेड गार्डन है ना, तो हम उसमें प्लांट को वहीं पे बचाते हैं और उसको बाहर लेके आके कहीं और बचाते हैं, सेम कंडीशंस बना के वहीं पे रखते हैं, वहीं पे रखते हैं। नहीं बेटा गलत बोल रहे हैं, बोटेनिकल गार्डन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को लेकर आते हैं, उसको स्पेसिफिक एनवायरमेंट देते हैं और उसको फिर एक जगह पे रखते हैं, इट इज एन एक्सीटू कंजर्वेशन। जो इन सीटू कंजर्वेशन थी दैट वाज बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, तो शायद वहां से कंफ्यूज कर गया, याद आया हर्ष? याद आया? उड़ गया, क्या बोला अभी आपने? वो आवाज नहीं आई। अच्छा अब आ रही है आवाज? ये मैम।
थोड़ी देखो बफर कर दिया मेरे को। बाकियों को सही आ रही है। देख यो बेटे ये ट्रॉफिक्स है ठीक है, और ये टेम्परेट है। मैंने ट्रॉफिक एक प्लांट है, बहुत मेडिसिनल प्लांट है ठीक है, खत्म हो रहा है ट्रॉफिक्स में, तो मैं उसको टेम्परेट में लेके आके कंजर्व करना चाहती हूँ। ट्रॉफिक्स में भी कंजर्व कर रही हूँ, ट्रॉफिक्स में तो मैं कंजर्व कर लूंगी। मैंने एक गार्डन बनाया, वहां पे उस प्लांट के सीड्स को रखा और ग्रो करा दिया, इजी है। अगर मैं टेम्परेट में करना चाहती हूँ तो मैं गार्डन बनाऊंगी, वहां पे छोटे से ग्रीन हाउस बना दूंगी, यहाँ पे मैं इस प्लांट को ग्रो करा दूंगी, क्योंकि ग्रीन हाउस के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा ना। तो मैंने क्या किया, उसके घर से निकाल कर उसको कहीं और जाके प्रिजर्व किया। सो दिस इज अ बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन में आपको बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं बेटा, वो वहीं के नहीं होते, वो दूर दूर से भी आए होते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन इज अपने घर से बाहर ले जाना ना, सो दैट वुड बी एक्स सी टू कंजर्वेशन। समझ आया? गलती से बोल दिया बोटेनिकल गार्डन है ना। कोई ना, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट जो होते हैं उसके केस में हम करते हैं कि वो जो एरिया है उसी को कंजर्व कर लेते हैं, राइट। बायोस्फीयर रिजर्व बोलना चाहता था। हाँ, तो हॉटस्पॉट के मुझे लगे हाथ नाम भी बता दो, इंडिया में कितने? नाइन बेटा इंडिया में 9 है, तो चला जा, एक में तू ही चला जा, तेरे को वहीं कंजर्व कर लेंगे। 9 है अबे, कुछ भी कितने होते हैं? 4। तू भी चली जा बेटा चौथे वाले पे, इसको ले। और कोई? 3। हाँ 3, बहुत बढ़िया। नाम बताया जाए? हिमालयस, हिमालयस, वेरी गुड। वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। तू भी चला जा वेस्टर्न घाट चला जा, है नहीं लोड यहाँ पे है। और कोई? हफे बहुत बढ़िया है। ग्रीनलैंड, तू भी निकल चल भाग जा। इंडिया बार, इंडिया। ओ भाई साहब, बेटा कहाँ रहूँ मैं, यही रहूंगी, तुम्हारे घर आके रहूंगी। अबे ती इंडिया के 3 हॉटस्पॉट के नाम बताओ भाई, कमाल कर रहे हो, निकालो निकालो नोट्स निकालो, जाओ। नहीं आ रही है जी, बोलिए। एंडो एंडो बर्मरीज, एंडो इंडो, इंडो बर्मरीज, इंडो बर्मरीज, मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट के आ रही है, अब आ रही है? ये मैम, बेटा अब आ रही है? ये मैम, यस मैम, ठीक है। बेटे वेस्टर्न घाट में श्रीलंका भी ऐड होता है ना, याद आया? यस मैम, यस मैम, ठीक है। तो हिमालय, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन, ये 3 है जो इंडिया में आपको हॉटस्पॉट मिलते हैं। हॉटस्पॉट इज एक्स सी टू कंजर्वेशन है, इन सी टू, इन सीटू। बेटा इन सीटू का मतलब कि वहीं पे जाके उसे बचाते हैं, राइट। तो हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये मैंने बीच में इसलिए ले आया था, ये आ गया तो रिवाइज कर लो, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन यार हमारे एक्स सीटू कंजर्वेशन है, तो ये आपसे पूछ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि बोटेनिकल गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं वो जिंदा होंगे या मरे हुए? जिंदा। ओनली प्लांट कंजर्वेशन होती है यहाँ पर, पहली चीज। और जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? लिविंग। ऐसा लगता है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन उस टाइम जब आते हैं तो क्लिक नहीं होते, इसलिए लिख लेना। अब वो दूसरा आपसे पूछ लेंगे कि ये जो बोटेनिकल नाम मैंने लिखा है ये तुमको कहाँ मिल रहा है? तो नेशनल बोटेनिकल गार्डन आपको लखनऊ में मिलता है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन आपको हावड़ा में मिलता है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन पे बहुत बार PYQ आ रखा है, दैट इज क्यू इंग्लैंड में मिलता है। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, लेकिन क्योंकि एम्स पेपर डाल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा डर है कि पूछ ना ले, ठीक है, याद हो जाएगा। यस मैम, यस मैम, आगे चलते हैं।
सेम चीज इफ आई टॉक अबाउट जूलॉजिकल पार्क, तो जूलॉजिकल पार्क इज ऑल्सो जैसे हर्ष ने बोला था एक्सीटू कंजर्वेशन है ना, बाहर लेकर आते हैं, इसमें प्लांट्स रखते हैं, एनिमल रखते हैं, दोनों को बचाते हैं. एनिमल्स एनिमल ओनली एनिमल्स, यस प्लांट्स मत बोल देना, ओनली एनिमल्स. लिविंग होते हैं, डेड होते हैं, लिविंग लिविंग. वेरी ठीक है, तो ये था बड़ा बेसिक सा पॉइंट. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो हर्बेरियम शीट था. क्लियर है सबको? मैं टैक्सोनॉमिकल एट बता रही हूँ, चार किताबें हैं जिस किताबों के बारे में बात करेंगे. तो ठीक है, तो दीज आर फोर टाइप्स ऑफ बुक्स. टाइप्स ऑफ बुक बोल रहा है, ये उनकी हेडिंग नहीं है, ऐसा नहीं बुक का टाइटल है. दीज आर नथिंग बट फोर बुक्स. जैसे आपने देखा होगा नॉवल्स होती है, एक हम कहते हैं एकेडमिक बुक है जो आपको स्कूल में चाहिए, एक हम कहते हैं आप कुछ बुक वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए पढ़ते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स है ना, जैसे मैगजीन हो गई, राइट. सो वैसे ही चार डिफरेंट टाइप ऑफ बुक है, कैटलॉग, मैनुअल, फ्लोरल एंड मोनोग्राफ. ओके, तो मुझे चार बच्चे चाहिए, उनके एग्जाम्पल से ही होगा. तो अपने नाम बताओगे चार बच्चे. हरीश और सरयू. हरीश, उसके बाद बोला बेटे उसने सतीश. बेटा क्या नाम बोल रही है? मैम श्रुति. श्रुति ठीक है, और कोई? एक और मैम श्रुति. यार इसने श्रुति नहीं बोला, मैम आप मुझे भूल गए हो. अरे मेरे को सच्ची नाम नहीं सुना. शिल्पी. यस मैम. अच्छा बताओ, हद हो गई, मैं कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें, रियली सॉरी, मुझे माफ कर दोगी? नहीं कर पाओगी? मैं ऐसा थोड़ी होता है, ये मेरे को श्रुति सुन रहा था ना, ऐसे मुझे याद है शिल्पी जो चूहे मारती है. नहीं सच्ची याद है मुझे, सॉरी. और एक और नाम. अंशिका. सॉरी अंशिका. ये मैम वंशिका या अंशिका? ए अंशिका. ठीक है ओके. हर सभी शिल्पी अंशिका यार, ये चार गए थे ऊपर, ये बोला था फुल सिलेबस टेस्ट ऑफ पेपर देके. ठीक है, इनको पता था अगर पेपर देके रुकेंगे तो आंसर डिस्कशन होगा, फिर ये पिटेंगे. तो ये ना पेपर देके भाग गए पहाड़ों में, अभी ऊपर जाके भाग गए, इनको वहां पे मिल गया प्लांट. इनको मिला एक गुलू गुलू सा बड़ा प्यारा सा ब्लू कलर का फूल, बहुत प्यारा सा ब्लू कलर का फूल था, उसमें लीव्स भी ब्लू कलर के थे, बहुत ही प्यारा सा चमक रहा था, है ना. तो ने कहा यार ये तो बड़ी सुंदर सी चीज है, हो सकता है हमने कुछ नया डिस्कवर कर लिया हो, इनको लालच आ गया, कहते गूगल कर लेंगे, लेकिन गूगल काम नहीं करा. ऑल स्कूल डे. तो ये क्या करते हैं, प्लांट को तोड़ के ले आए नीचे. ठीक है, अब क्या हुआ, अभी फिजिक्स के क्वेश्चन की डिस्कशन चल रही थी ना, मुझे पता नहीं था ये भाग चुके हैं नहीं तो मुझसे पिटते. तो ये मेरे पास आके पूछते हैं कि मैम ये बता दो ये कौन सा प्लांट है. ठीक है, तो मुझे तो पता नहीं कौन सा प्लांट है, मेरे पास ना टाइम नहीं है, तुम एक काम करो मैं तुम्हें चार बुक्स दे रही हूँ, इसमें देख के पता लगा लूँ. ठीक है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम इसमें देख के पता लगा लेते हैं, लेकिन इनको थोड़ा डाउट था इस प्लांट को लेकर. तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा प्लांट होगा? मेरे को लगता है ब्लू ज्यादा बना दिया मैंने, लेट्स से फ्लावर इसके येलो थे, तो तुमको क्या लगता है कौन सा फ्लावर होगा? एंजियोस्पर्म. ठीक है, इसको एंजियोस्पर्म लग रहा है. और एंजियोस्पर्म में भी कोई कैटेगरी दिमाग में आ रही है? सनफ्लावर जैसा लग रहा है, थोड़ा आइडिया. ठीक है, तो एंजियोस्पर्म सनफ्लावर जैसा लग रहा है. तो हरीश ने बोला यार मेरे को लग रहा है कि सनफ्लावर है, ध्यान से सुनना. ठीक है हरीश, यार मेरे को तो लग रहा है सनफ्लावर. मैंने तो तुमको किताब देके भगा दिया वहां से, मैं कहता हूं सर से जाओ चाय पीने दो मेरे को, है तुम भाग गए. हरीश ने कहा सनफ्लावर है. तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए हरीश कौन सी बुक उठाएगा? कैटलॉग. देखो इसलिए मैंने ऑर्डर में लिखा, इसी ऑर्डर में करना है. हरीश ने उठाई कैटलॉग. कैटलॉग इज व्हाट? कैटलॉग इज अल्फाबेटिकल अरेंज. यार कभी तुमने, अगर तुमने कभी तुम्हारे घर में आया हो या कभी किसी बड़ी सी दुकान में चले गए हो, तो वहां पे फर्नीचर लेने जाओ ना, वो तुम्हें कैटलॉग देते हैं. डिफरेंट टाइप के फर्नीचर की फोटो होती है, उसके फीचर लिखे होते हैं, उसका नाम लिखा होता है. कभी देखा कहीं? यो यो मैम. रेस्टोरेंट के मेन्यू के जैसा कैटलॉग कह सकता है, रेस्टोरेंट के मेन्यू के जैसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर में लगा ले. हाँ नहीं तो अपने कॉपी का इंडेक्स देख लो, इंडेक्स में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 लिखा होगा ना,
यूनिट वाइज तुम ढूंढ सकते हो ना, वैसे ही कैटलॉग में क्या होता है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है. सनफ्लावर कह रहा है तो लेट्स से आप कौन सा अल्फाबेट ढूंढोगे, एस. तो हरीश ने भाग के ढूंढा एस, एस कैटेगरी में इसको ये सनफ्लावर जैसा लिखा हुआ दिख गया और इसने इसके फीचर पढ़ लिए. ठीक है, ये कह रहा है यार जो सनफ्लावर के बारे में लिखा है ना थोड़ा थोड़ा इससे मिलता है ही. तो हरीश ने क्या उठाया था, सबसे पहले बुक कैटलॉग. तो कैटलॉग इज व्हाट, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया. अब देखो तुम हिमाचल में हो ना, तुम अपने पर्टिकुलर एरिया के कैटलॉग उठा रहे हो. ठीक है, हर एरिया का अपना अपना कैटलॉग होता है जो थोड़े फीचर डिफाइन करता है. क्लियर है? यस मैम. तो अल्फाबेटिकल नहीं आ पड़ा था, लेकिन तसल्ली नहीं हुई हर्ष को, अभी भी ऐसे आई हुई है मौत की नहीं तो गड़बड़ कर दिया अभी भी. हर्ष कहता है कि ठीक है यार पूरे नाम के बेसिस पे तो उसे निकाल लिया, लेकिन मैं और फीचर पढ़ना चाहता हूँ. जैसे मैं इसका फ्लावर देखना चाहता हूँ कि इसके पेटल्स कैसे अरेंज है, इसके सेपल्स कैसे अरेंज है, इसका कलर कैसा है, इसकी मूवमेंट कैसी हो रही है. मैं इसके ज्यादा फीचर पे कंपेयर करना चाहता हूँ, मुझे तसल्ली नहीं है. तो हर्ष कौन सी बुक उठाएगा फिर, मैन्यूअल. मैन्यूअल इज अ बुक जिसके पास आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्राइबिंग ऑफ प्लांट. तो अगर प्लांट की तुमको पूरी डिस्क्रिप्शन चाहिए ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, याद रखना अभी तक तुम सिर्फ हिमाचल की किताबें रेफर कर रहे हो. ओके, समझ आई? उसने मैन्यूअल उठाई और उसने फीचर पढ़े. उसने कहा यार ये तो सारी डिस्क्रिप्शन मैच हो रही है, ये तो सनफ्लावर ही है, शायद थोड़ा यूनिक किस्म का सनफ्लावर है लेकिन लग तो सनफ्लावर है. ठीक है, फिर आई शिल्पी, कह रही नो मुझे तो तसल्ली नहीं हुई. कह रही अगर ये सनफ्लावर है तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये सनफ्लावर अगर हिमाचल में मिल रहा है तो क्या चंडीगढ़ में मिल रहा है, और चंडीगढ़ में मिल रहा है तो क्या हैदराबाद में मिल रहा है, क्योंकि मुझे तो लगता है ये वहां भी मिलता होता है. ठीक है, तो अब क्या करना चाहते हो तुम, तुम पर्टिकुलर जगह पढ़ना चाहते हो, लेकिन ये जगह तुम्हारे घर से तो अलग है ना हिमाचल से. तो अगर तुम एक्चुअल हैबिटेट किसी का पढ़ना चाहते हो, जैसे हैबिटेट मतलब वो कहाँ रहते हैं, तो अगर तुम एक्चुअल हैबिटेट और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना चाहते हो किसी पर्टिकुलर एरियाज में, स्पेसिफिक एरियाज है अभी, जैसे तुमने कहा मैं देखना चाहती हूँ चंडीगढ़ एंड हैदराबाद में, राइट, तो उसके लिए शिल्पी ने कौन सी बुक उठाई, द फ्लोरा. फ्लोरा के अंदर उसको अकाउंट मिलेगा हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन का इस पर्टिकुलर प्लांट का. तो इसने देखा कि हैदराबाद और चंडीगढ़ में तो मिल ही नहीं रहा, तो ये जो भी सनफ्लावर है ये सिर्फ हिमाचल में मिल रहा है. ठीक है, यूनिक है यहाँ का, राइट. अब तुम क्या देखना चाहते हो, ऐसी इस चीज के बाद जब फ्लोरा पढ़ लिया ना शिल्पी ने, तो अंशिका को क्यूरियोसिटी जागी. अंशिका कहती है यार एक बार चेक करते हैं कि पूरी दुनिया में और कहीं मिलता है या फिर सिर्फ हमारे हिमाचल का, ये सिर्फ हमारे हिमाचल का तो बहुत यूनिक हो जाएगा ना, कितनी बड़ी बात हो जाएगी तुमने ऐसा फ्लावर डिस्कवर कर लिया जो सिर्फ हिमाचल में मिलता है ना, होगा कि नहीं. अंशिका ने कहा मैं ग्लोबल जाऊंगी, तो ग्लोबल के लिए वर्ड जी, तो जी से याद रखना ग्लोबल. और ग्लोबल से जो उसने बुक उठाई उसको हम कहते हैं मोनोग्राफ. मोनोग्राफ इज ए बुक जो कंपेयर करेगी कि पर्टिकुलर प्लांट पूरी दुनिया में और कहीं मिलता है या नहीं. तो ये बुक सबसे बड़ी होगी ना, मोनोग्राफ में सारी इन्फॉर्मेशन है, राइट. तो वो मोनोग्राफ और उसको पता चलता है दुनिया में और कहीं नहीं मिलता. फिर इस तरीके से हर्ष, हरीश, शिल्पी और नया फ्लावर डिस्कवर किया था. सडनली क्या होता है, पता है क्या होता है? नो मैम. बेटा फिर अलार्म बजता और मम्मी कहते स्कूल का टाइम हो गया, उठ जा. ठीक है. और इस तरीके से नहीं नहीं डिस्कवर भी कर सकते, ऐसी बात तो नहीं है. ये बड़ा लेकिन यूनिक होगा कि पूरी दुनिया में कहीं ना मिलती, मैं तो वो बहुत ही यूनिक हो जाएगा. मैं बोलूंगी मेरे स्टूडेंट थे, चाहे मेरा कोई लेना देना नहीं है इस डिस्कवरी से, लेकिन क्रेडिट तो ले ही सकते हैं, है ना. देखो अब एग्री नहीं करेगा, इन चारों में से कोई एग्री नहीं करेगा. जो तुमको मैंने कीवर्ड बोले है ना उसी कीवर्ड आएगा. अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट पूछेंगे, कैटलॉग की बात हो रही है. डिस्क्राइबिंग अ प्लांट पूछेंगे, मैन्यूअल की बात हो रही है. आइडेंटिफिकेशन वर्ड आ गया, मैन्यूअल की बात हो रही है. ठीक है, ये वर्ड पकड़ने हैं तुमको. फ्लोरा के अंदर वो तुम्हें हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अपने नाम के साथ याद रख लेना. अब शिल्पी अगर फ्लोरा की डेफिनेशन गलत करके आ गई तो बेटा बहुत दुख की बात होगी. मोनोग्राफ जी से ग्लोब याद रख लेना, तुमको ऐसे याद हो जाएगा. नाउ एक टर्म है दैट इज ए टेक्सॉन.
टेक्सॉन, टेक्सा मतलब प्लूरल, टेक्सॉन मतलब सिंगुलर, एक की बात हो रही है। अब ये होता क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इजी है एक्चुअली। तो देखो तुमको याद है मैंने एक लेटर बताई थी तुमको टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में, मैंने कहा था जहां पे सबसे कम डाइवर्सिटी मिलती है अपन उसको क्या बुलाते हैं, स्पीशी। स्पीशीज। ओके फिर आते हैं जीनस, जीनस के बाद याद करने का निमोनिक क्या था, फॉग। फॉग। हाँ अरे याद हो गया तुम्हें, ऐसे ही याद करा तुमने भी, वाह। फैमिली, ऑर्डर, क्लास, मतलब सुनते हो तुम। क्लास। अगर ये प्लांट की, प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो मैं क्या वर्ड डालूंगा क्लास के बाद, डिवीजन। डिवीजन। और अगर एनिमल की बात हो रही है तो डिवीजन। आइलम। और सबसे ऊपर ट्राइब। किंगडम। 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 ट्राइब फैमिली और जीनस के बीच में। हाँ शाबाश, बहुत 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 खुशी हो, है ना। ये सबके जीनस सब में इंडिविजुअल, हाँ सही बोल रहे हो, ये सब इंडिविजुअल लेवल पे कहलाते क्या है, ग्रुप्स, है ना। मैम। स्पीशी भी एक ग्रुप है एनिमल्स का, जीनस भी एक ग्रुप है एनिमल का, इसी को मैं कैटेगरी भी बोल सकती हूँ, है ना। मैम। अगर मैं इसको और साइंटिफिक फैंसी वर्ड बोलूँ, और साइंटिफिक बोलूँ, तो मैं बोलूंगी इसे टेक्सा, क्या बोलूंगी, टेक्सा, टेक्सा। हाँ टेक्सॉन यार, टेक्सॉन। टेक्सॉन, टेक्सॉन, एक की बात हो रही है, माय बैड माय बैड, टेक्सॉन, ठीक है जी, समझ आई। कुछ नहीं है, वो जो ग्रुप था ना उसी को साइंटिफिकली तुमने टेक्सॉन बोल दिया है, इतना सही है। किसी की डेफिनेशन पूछते रहते हैं पागलों की तरह। ये देखो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एट एनी हायरार्कियल कैटेगरी, ये कैटेगरी तो है, स्पीशी भी एक कैटेगरी है, ये लिखा है मैंने, जीनस भी कैटेगरी है, फैमिली भी कैटेगरी, ऑर्डर भी कैटेगरी, क्लास भी, डिवीजन भी, फाइलम भी, किंगडम भी, इसमें जितने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनको टुगेदर टैक्सोन कह दो, तो कुछ गलत थोड़ी बोला, एक ही बात है, समझ आई। मैम। यही तुमसे वो बार बार पूछते रहता, तो याद रखना ये बहुत बार तुम्हें मिलेगा, ये एम्स को बहुत पसंद है टैक्सोन और ट्राइब वर्ड। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट एनी हायरार्किकल कैटेगरी, चाहे स्पीशीज बोलूं, मैं जीनस बोलूं, कुछ भी बोलूं, उसमें जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है उसको हम टैक्सॉन बोलते हैं, क्लियर। ठीक है, कैटलॉग, मैन्यूअल और फ्लोरा एरिया की बात करते हैं, लेकिन मोनोग्राफ किसकी बात करता है, एग्जाम। किसकी बात करता है, ग्लोब की, पूरे एग्जाम। ग्लोब स्टडी कर लेता है, राइट। लिख लिया ये, यस मैम। किसी बच्चे को इसमें डाउट है बता दो बेटा, नहीं है तो अगला एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे फिर 4 वॉलंटियर चाहिए, तो मुझे 4 बच्चों का नाम बताया जाए। चल तू जाएगा हर जगह, भाग यहाँ से, हाँ बोलो बोलो बेटा, हर्ष। रिया, अनमोल। हर्ष, रिया शिल्पी। और अनीश। अनमोल, प्रीति बोला था अभी, कशिश। कशिश, और एक और बच्ची चाहिए हमें, बच्चा है बच्ची, हाँ कृति। कृति, अच्छा पहले प्रीति नहीं कृति बोला गया था, ठीक है। तो पेपर डिस्कशन हुआ, जब हर्ष, हरीश सब फेमस हो गए, तो फिर उन्होंने रियलाइज किया यार ये सही है, फिजिक्स क्लास में भाग के ये फेमस हो गए, अब बायो का पेपर डिस्कशन हो रहा है, तो रिया, अनमोल, कशिश और कृति भाग गए, ठीक है। एक तालाब सी के पास जाके बैठ गए, जब ये तालाब के पास बैठे, ये है हमारा तालाब, ठीक है जी, समझते हो ना तालाब, यस मैम। यो मैम। क्या बुलाते हैं, पोंड, तालाब। पोंड, लेक। ओके, एक हाँ एक ये कौन सा भाई इंग्लिश है जिसको तालाब तालाब ही बुलाते हैं, है? क्या भाई ये गलत, लेक। ये बच्चा गलत इंग्लिश पढ़ रहा है। तो ये तालाब पे बैठ गए, है ना। अब इन्होंने वहां पर एक ऐसा एनिमल देखा, इस एनिमल की आंख थी इसलिए इनको इतना पता चल गया कि प्लांट तो नहीं है, ठीक है। अब जब इन्होंने ये एनिमल देखा, रुक जाओ ये 2 मिनट, जब इन्होंने ये एनिमल देखा तो इनको देखने में क्या क्या मिला, रिया देखने में क्या दिख रहा है,
कुछ फीचर दिख रहे हैं इसके? यस मैम। क्या दिख रहा है मैम? आई है, लिम्स है, बैकबोन है। आई दिख गई इसको, बैकबोन, बैकबोन इसने फिर छू के देखा ना उसको, बैकबोन भी दिख गई इसको, ब्रेव है हमारी रिया, ठीक है। इसकी उसको लिम्स भी दिख गई, वाह वेरी गुड, ठीक है। इसके ऊपर कहीं आपको गिल्स दिखाई दे रहे हैं अनमोल? नो मैम, नो गिल्स है ना, कह रहा मच्छी तो नहीं लग रही। पंख दिखाई दे रहे हैं? नो मैम, नो फैदर, कह रहा बर्ड भी नहीं लग रहा है, क्या चीज, कंफ्यूज हो गए, कह रहे हम तो कंफ्यूज हो गए अब क्या चीज है, लेकिन एक्साइटेड हो गए, पर हो सकता हम भी नया चीज डिस्कवर कर रहे हैं, फिर हम भी फेमस हो जाएंगे है ना, हमारे भी इंटरव्यू होंगे, हमारे भी नाम के पुतले बनेंगे है ना। तो सी चारों एक्साइटेड हो गए, उछलते कूदते आएंगे, किससे पूछने आएंगे? आपसे, आपसे। लेकिन मैं तो पेपर डिस्कशन कर रही थी क्लास में, मेरे पास आएंगे तो पहले चप्पलें खाएंगे। कह रहे नहीं, कृति ने दिमाग लगाया, कहती नहीं एक काम करते हैं, मैम के पास नहीं जाते हम लोग ना, की मदद लेते हैं, क्योंकि हर ताले की जैसे चाबी होती है वैसे हर सवाल की भी एक चाबी होती है, ठीक है। उस चाबी को बायोलॉजी में की बोलते हैं, वैसे तो इंग्लिश में बोलते हैं पर चलो, तो वो जाते हैं की के पास। की क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे आ रहे। तो की इज अ पेपर, इसके ऊपर कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दिस इज अ की, व्हाट इज अ की, मैं तुमको सिंपल भाषा में बताऊं, इसमें सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ सवाल और जवाब है, ठीक है। आपने वो कहानी सुनी अली बाबा 40 चोर? ये मैम। तो वो कैसे गुफा को क्या बोलना पड़ता था उसका? खुल जा सिमसिम। हाँ, तो वो चाबी, जब वो खुल जाए सिमसिम बोलेगा तो वो खुल जाएगा है ना, वो गुफा खुलती थी फिर वो चोर कर लेते थे, चोरी कर लेते थे, ऐसे होता था। यस मैम। मेरे को क्यूरियोसिटी आ गया, आगे क्या हुआ, कोई बात नहीं, चेक करूंगी, भूल गई मैं। तो वैसे ही सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन इनके पास भी है, ठीक है। यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे जवाब भी है, अगर ये इसको ट्रेस करते रहेंगे ना तो इनको पता चल जाएगा ये एनिमल कौन सा है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। देखो नेचर में इन्फॉर्मेशन तो है ही है ना, अब मैं बोल रहा हूँ मैमल्स है ऑलरेडी, अभी बहुत से मैमल है जो अनडिस्कवर होंगे, तो जब भी कोई मुझे मैमल जैसा दिखेगा मैं इस की को यूज करके पता लगा लूंगी कि पक्का मैमल जैसा ही है, अगर मुझे वो मैमल कैटेगरी में मिल गया। तो काफी फीचर कॉमन हो गए ना, जैसे बॉडी पे हेयर होना, वर्टिब्रे होना है ना, अपने बच्चों को दूध पिलाना, मैमल के फीचर है। तो ऐसे बहुत से पेपर्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, तो की इज द सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसकी मदद से अभी जैसे आपके सामने रिया, अनमोल, कशिश और कृति पता लगाएंगे कि ये एनिमल कहाँ आता है, ठीक है। तो सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि क्या इसके पास वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है? आंसर रिया, अनमोल, कशिश और कृति करेंगे, बाकी कहाँ आ गए तुम, उनकी रिसर्च चल रही है, तुम तो प्रायर पेपर डिस्कशन कर रहे थे, नलायक चुप करो। अनमोल खुद ही सवाल लिखा, तुमको सवाल नहीं लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनके पास फर है, फर थे इसके पास? नो मैम। नहीं, ठीक है। तो अगर मैं यस कहती तो आंसर होता ये मैमल है, लेकिन तुमने बोला फर नहीं है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो तुम नो पे जाओ। अगर तुम्हारा जवाब नो है तो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगी, क्या इनके पास फेदर्स है? नो मैम। नहीं है? नो मैम। तो तुम यस के पास नहीं जाओगे क्योंकि यस तुम्हारा आंसर नहीं है। अब तुम नो वाले को देखो, नो के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? अब तुमने जब पानी के पास बैठे तो तुमने नोटिस किया कि यार ये कुछ बाहर दे रहा है अंडे जैसा, और ये खुद तो प्रेग्नेंट हो नहीं रही, तो मैं तुक्का लगा सकती हूँ कि इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। अब तुमने यस बोला कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर यस है, तो अगर यस है तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? राइट, तो हो सकता है ये पानी के पास फॉर सम रीजन गया हो, राइट, लेकिन ये रेप्टाइल के अंदर आ रहा है, ये हमारा और किसी चीज के अंदर अभी आ नहीं रहा, तो तुमको यहाँ से थोड़ा आइडिया हो गया, अभी क्लियर नहीं हुआ, अभी तुम बहुत सारे की रेफर करोगे अलग अलग फीचर के लिए, लेकिन तुमको आइडिया होगा ना, तुम रेप्टाइल्स के अंदर पढ़ोगे इसे, राइट। तो दिस इज नोन एज की, समझ आया? पॉइंट पे तुम्हें दो स्टेटमेंट मिली थी ना, जब मैंने तुमको बोला वर्टिब्रेट है तो तुमको दो स्टेटमेंट मिली, ठीक है। जैसे उसके बाद तुम्हें जो क्वेश्चन आया हैज फर, इसके दो आंसर थे, या तो यस या तो नो, जो भी आंसर तुम सिलेक्ट करते वो तुमको तुम्हारे एक्चुअल आंसर की तरफ लेके जाता ना,
ये कौन सा एनिमल है, सही बात है? आपको तो ये यस वाली स्टेटमेंट एंड नो वाली स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट आपको एक आंसर की तरफ लेके जा रही है ना, तो जो चीज लेकर जाती है उसको हम लीड करना कहते हैं। तो बेसिकली ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली मैं क्या बोलूंगी कि यस भी मेरे लिए एक लीड है और नो भी मेरे लिए, समझ गए? तो जो आप की मिलती है ना, जो पेपर पे की मिलती है, उसकी दोनों स्टेटमेंट एक लीड की तरह होती है, ठीक है? दोनों लीड है, और अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ बोलना चाहूँ कि यस और नो एक साथ क्या कहलाती है, तो उसे एक साथ हम इसे कहते हैं कपलेट। ये कपल है जो आपको मदद करेगा जानने में कि ये एनिमल कौन सा है। समझ आया? देखो टेक्सोनॉमिकल की क्या होती है, ईच स्टेटमेंट को हम लीड कहते हैं और पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम लोग कपलेट कहते हैं। किस बेसिस पे तुम्हें पता चला ये रेप्टाइल है, ये जान के कि इसके फीचर रेप्टाइल से ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू बर्ड्स, एज कम्पेयर टू मैमल्स। तो डिफरेंसेस क्या है इसके बर्ड और मैमल से, और रेप्टाइल से क्या सिमिलैरिटी है, उसके बेसिस पे तुमने बताया ना ये रेप्टाइल है। तो टेक्सोनॉमिकल की डिपेंड करती है सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस में, समझ आया? इसके बेसिस पे बता सकते हो कौन सा एनिमल है, समझ आया? यस मैम। इसलिए जब हायर ग्रेड में हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रैक्टिकल करते थे ना, तब तो हमें ये की मिलती थी, फिर हमको पता लगाना होता था, तो वो समझना इजी था। अब यहाँ पे यही एक्सपेरिमेंट में करा पाई, तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ होगा इसका, राइट? क्वेश्चन यहाँ से आता है लीड और कपलेट से, इसको याद रखना इन दोनों वर्ड्स को, ओके? ऑलराइट, यस मैम, ठीक है। चलो समराइज कर ले चैप्टर को। चलो समराइज करने से पहले एक क्वेश्चन लगा लो, पढ़ना सॉल्व करो, यू हैव 2 मिनट्स, लेट मी स्टार्ट टाइमर। स्टार्ट, 2 मिनट्स, एक बार सब ट्राई करो, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड है ना, ये जल्दी होगा नहीं क्लियर। नहीं, हाँ जी, 48 सेकेंड्स डन। क्लास चल रही है, लास्ट 45 सेकेंड्स। ओके स्टॉप, चलिए जी चेक कर ले। यस मैम, यस मैम, ओके। आर्यन, रिया, हरीश, अनमोल, वंश, रिजुल, सूर्यांश, कशिश, हर्ष, कृति, अंशिका, प्रीति, सोनिया, हर्ष, हर्ष दो बार बेटा, एक बार में आंसर नहीं हुआ तेरा है, सुहानी। बस इतने से बच्चे, बाकी का है हमारे बच्चे, बच्चे तो बहुत सारे हैं क्लास में, अभिषेक, अक्षिता, आंचल, आयुषी, हिमानी, जानवी, काजल, काजल भाई आंसर क्यों नहीं दे रही, कृतिका,
महक प्रदीप प्रदीप तो आंसर देती थी, क्या हो गया? राजकुमारी, रिद्धिमा, रिजुल, रितेश, हाँ पल्लवी, तारीफ की जरूरत ही है। वंश, राना, वंशिका, आज बच्चे भी कम आए, कुछ है क्या? आज कम क्यों आए हैं, कुछ त्योहार है क्या? नो मैम, नो मैम, कम क्यों आए हैं? नो स्ट्रेंथ कम हो गया, स्कूल में पेपर वेपर चल रहे हैं क्या? एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही होंगी मैम। शायद। अच्छा हाँ, आजकल वो एक्स्ट्रा क्लास के चक्कर में। ठीक है, गॉट इट। चलो, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम वन विद दोज इन कॉलम टू और करेक्ट ढूंढना। हर्बेरियम का कीवर्ड क्या था? ड्राई, प्लांट, रिजर्व, प्रेस, वेस्ट है ना, और डेड प्लांट्स थे। ढूंढ लो। प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स है तो ये तो नहीं हो सकता। लिस्ट दैट एमिनेट मेथोलॉजिकली ऑल द स्पीशीज, ऑल द स्पीशीज की बात नहीं करता। अ प्लेस वेयर ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिस मिल जाए, चीट क्यों? मिल तो कीवर्ड से। एक आंसर थ्री, यू देखो कीवर्ड से ही ढूंढना है तुमको, ऐसे नहीं मानना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कैटलॉग की तक पहुंचते पहुंचते। सेकंड इज की मदद से तुमने अभी ढूंढा था, तो की इज अ लिस्ट दैट इन्यूमरेट मेथोलॉजिकली ऑल द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। क्ली से तुमको उस स्पीशीज, सारी स्पीशीज मिल गई थी उस एरिया की, ऐसा कुछ हुआ था? एरिया की बात करी थी नो नहीं मैम, यार, नो वगैरह में तो एरिया की बात ही नहीं हुई, ये तो हो चुका है। इट इज अ प्लेस हैविंग बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रिजर्व, ऐसा भी नो नहीं। मैम, इट इज अ बुकलेट, बुकलेट थी ना कि कंटेनिंग बुकलेट, एक पेपर्स होते हैं बहुत सारे ना, बुकलेट कह सकते हो। कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ करेक्टर एंड देयर अल्टरनेट, करेक्टर भी लिखे और उसके अल्टरनेट भी लिखे है जो हमें आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, राइट? तो की वुड बी द बी, बी का होगा हमारे पास फोर्थ। म्यूजियम, म्यूजियम में आपको कौन कौन मिल जाता है? प्लांट एंड एनिमल प्रिजर्व यानी कि डेड, राइट? प्रिजर्व का मतलब डेड है, तो सी का हो गया मेरा वन, राइट? तो मेरे पास क्या बचा? डी, और डी का क्या होगा? सेकंड, सेकंड, तो ए का थ्री, बी का फोर, बी का फोर है ना, सी का वन, सी का वन, डी का टू, डी का टू। आंसर वुड बी डी, क्लियर है ना? गुड। एक और था, मुझे एक और पूछना था क्वेश्चन, पहले जाने से पहले, पूरे तो नहीं हो पाएंगे, एक में देना। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करना, 20 स्पेसिफिकली। यू हैव 1 मिनट, स्टार्ट। लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 3 सेकेंड, 3, 2, 1, स्टॉप, आउट। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ना, सीक्वेंस की बात हो रही है, वो किसी से सीक्वेंस, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, देखो एंड स्पीशीज से कर रहे हैं, उल्टा चलो, स्पीशीज के बाद क्या आता है? जीनस, जीनस, तो स्पीशीज के बाद जीनस आना चाहिए, स्पीशी के बाद जीनस इसमें आ रहा है, स्पीशी के बाद जीनस इसमें आ रहा है, स्पीशी के बाद जीनस इसमें आ रहा है, बहुत बढ़िया। जीनस के बाद क्या आता है? तो जीनस के बाद फैमिली आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ पे जीनस के बाद ट्राइब आ रहा है, तो ये वाला गलत हो गया, डी गलत हो गया ना, यहाँ जीनस के बाद ऑर्डर आ रहा है, ये भी गलत, यहाँ जीनस के बाद फैमिली आ रहा है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ ट्राइब मेंशन है ना, इसीलिए। तो आंसर वुड बी सी, यही क्लियर हो गया था,
तो ऑर्डर ना जरूरी नहीं है वहीं से स्टार्ट हो जहां से तुमने पढ़े हैं, तो ऑर्डर को पेशेंस के साथ पढ़ना, ठीक है? यस मैम। तो अगर अब मैं चैप्टर समराइज करूं तो सबसे पहले हमने डिफरेंस पढ़ा था बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट? और लिविंग एंड नॉन लिविंग हमने दो तरीके के डिफरेंसेस पढ़े थे, एक तो थे फंडामेंटल फीचर और डिफाइनिंग। तो फंडामेंटल फीचर के मुझे एग्जांपल दो। रिप्रोडक्शन और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ग्रोथ हाँ, सिंपली ग्रोथ भी लिख सकती हूँ, गुड। और डिफाइनिंग फीचर के लिए इंटरनल ग्रोथ, ग्रोथ इंटरनल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी कॉन्शियस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियसनेस। और अगर मैं सिर्फ ह्यूमन की बात कर रही हूँ तो सेल्फ कॉन्शियसनेस और यस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि एक तो सेल होना ही चाहिए, है ना? एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉट लिविंग, दैट्स गुड। उसके बाद हम लोग ने पूरी ये अरेंजमेंट पढ़ी, अभी हमने हायरार्कियल अरेंजमेंट करी है जीनस स्पीशीज की, है ना? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अगर मैं लिख दूं मैंगीफेरा इंडिका, तो इस नाम में क्या गलती है? अंडरलाइन होगा, अब ठीक है? वैसे तो ये नाम ठीक है बेटा, लेकिन साइंटिस्ट का नाम अगर पता है तो लिख सकते हैं। वैसे ठीक है ये आंसर, ठीक है? साइंटिस्ट का लाइन भी अंडरलाइन कर देती हूँ, क्लियर है? यस मैम। बेटा साइंटिस्ट का नाम अंडरलाइन नहीं होता है, समझ आई? काय का यस? यो मैम। ठीक है, ध्यान से करना है। उसके बाद हम लोग गए थे आगे और हम लोगों ने पढ़ा, अभी 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 जस्ट अभी हमने क्लियर करा है ये टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो मुझे बताओ कि जो की होती है, की की मदद से आप कोई भी एनिमल आइडेंटिफाई कर रहे हो या प्लांट आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो ये जो की होती है ये इसमें क्या यूज करते हो आप? कैसे पता लगाओगे कि कोई एनिमल है, कौन सा एनिमल है, क्या फीचर यूज करते हो? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यूज करते हो, सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस यूज करते हो? सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस यूज कर सकते हो, ठीक है। वो कौन सा मेथड होता है जिसमें आप जो प्लांट होते हो उसको बाहर ले जाकर कहीं और प्रिजर्व करते हो? बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन, वो कौन सा मेथड होता है जिसमें प्लांट और एनिमल दो प्रिजर्व कर सकते हैं? म्यूजियम। म्यूजियम, गुड, शाबाश। ओके, इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैम आवाज नहीं आ रही। नो मैम क्लियर नहीं, बिल्कुल मैम नहीं आ रही है।